देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जिस तरह वाराणसी में देखा जाए तो सफाई कर्मियों को लेकर के हमारी सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस समय कपिल धारा धर्मशाला के पास से आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे गली में कूड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने यहाँ के लोगों से बात किया तो उनका कहना है यहाँ पे जो धार्मिक स्थल पे जहाँ पे हमारी सरकार लगातार धार्मिक स्थल पे जो कि काम करती है वहाँ पे गंदगी ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे धर्मशाला में जो कि साल भर में दो बार सफाई होती है यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ना सफाई भी करते हैं। ये जहर बुखार या सर्दी जुकाम मच्छर काटने मलेरिया हो गया, बस एक खेवाला वो स्कूल सफा करा लो। फागुन में मेला लगा ला अथवा जो भोला निकल ना जाकरी तब सफाई होला तो साल में कितनी बार वो साल में दो दफे मतलब कि हम दीदी धर्मशाले में रहने के बटोरी ला झाड़ी ला देखभाल करी तथा वही में स्टेशन छैयर के लिए जब हम एक बीघा के डेढ़ बीघा के चौक में है दीदी ओके हर घड़ी झाड़ा बटोरा ओके चिक्कन करब ला हमें एक को रुपया ना मिली तो अपन दूठे बाल बच्चा हम तो हम केहर लेके जाब बेटो चाहिए ना तो के सफाई सुधर भी इतना हड़कम मचलो के खोल दे यहाँ फाटक सरवाठार छैयट कैले हन कुल जरा दिखाई तो कुल तेरे बहुत लोग आते होंगे बहुत। हाँ पचकोस लगा ला दीदी एक महीना मेला होला हाँ सब सफाई करत रहना डीजे जी जय सवाल सफाई करा था देखभाल की करवावत रहना है विसर्जन करवावत रहना देखा फाटक लगो उबले हुआ चुन्ना गेर लगो उबले हुआ गिरत पड़ल हमने दर्रा दूरी दोनों परानी हम गारा मट्टी शान शान देने अपन सीढ़ी पर उबले हुए अपन सीमेंट वालों का कुल उबले हुए कोई आता नहीं है अपना अपना दरवाजा अपने आप खुद हम लोग साफ सुथरा करके रहते हैं। बगल में मंदिर है अपने सफाई के साथ साथ मंदिर साफ सुथरा रखते हैं कि कोई आ जाए तो बैठे। अब उसके बाद की बात है कि सुबह हम लोग साफ किए मान लीजिए दोपहर में बच्चे खेल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जब प्रधान यहाँ का परमानेंट सफाई कर्मी नहीं रखा है तो परमानेंट इधर के एरिया में कैसे आएगा भाई? जहाँ के लिए नियुक्त किया जाएगा वही तो आएंगे हाँ। और जहाँ के लिए नियुक्त ही नहीं किया जाएगा तो वहाँ क्या आएगा? कोई नहीं। जब कोई आने वाला तो फिर कहाँ से आ जाते हैं? जो स्कूल में झाड़ू लगाते हैं ना उन्हीं लोगों में से दो चार लोग को भेजा जाता है तो वही सफाई करते हैं। होना चाहिए सफाई कर्मी, सफाई सही होता नहीं है, जिधर जाएंगे उधर कचरा है। तो ऐसे ही शिकायत उनकी है ग्राम प्रधान की, एक दूसरे पर टालते हैं जी, एक दूसरे पर टालते हैं। 2017-21 आने वाला है सफाई कर्मी कहाँ काम करते हैं मैडम? इस समय खाली वो बैठ के पैसा ले रहे हैं सफाई कर्मी, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। बस वो आते हैं जैसे स्कूल हुआ पंचायत भवन हुआ झाकते हैं बटोरते हैं चले जाते हैं, वो भी सफाई पंचायत भवन भी नहीं बटोर पाते हैं। मैं ठीक है भाई करेंगे चाहे नहीं काम करेंगे उनका काम है करना, आप ऐसे वैसे पेरोल मत दीजिए, पेरोल नहीं दीजिए फिर भी पेमेंट हो जाता है। तो आपने बात कभी नहीं किया इसके बारे में? बहुत बार बात किया हमने, बहुत बार कहा भी, मौखिक भी लिखित भी कहा कि नहीं हमारे गांव में सफाई कर्मी काम नहीं करते हैं, ऐसे वैसे फिर भी जैसे तैसे है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।